हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ है गजेनिया प्लांट। और अभी विंटर चालू है तो देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं प्लांट को। वैसे ये समर का प्लांट माना जाता है, विंटर में भी इसकी देखभाल अच्छी तरह से की जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसके फूल आते हैं। ये सन लविंग प्लांट है, जिसे इसी वजह से हमें इसको पूरा सन अंडर डायरेक्ट सनलाइट रखना चाहिए, क्योंकि इसे ज़्यादा करके खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूरा दिन अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट और वेल ड्रेन सॉइल इसको काफ़ी है, वो हमेशा हमको फूल देता रहेगा। इसको ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप हार्डी प्लांट है। ये साउथ अफ्रीका में अपने आप उगने वाला ये वाइल्ड प्लांट कहा जाता है, और ये इसे ज़्यादा करके देखभाल की आवश्यकता नहीं। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, रेड है, ये डबल शेडेड है, प्लेन रेड रहता है, येलो प्लेन रहता है, येलो में रेड शेड रहती है, पिंक रहता है, बहुत सारे रहते हैं और बहुत सारे बहुत ही अच्छे कलर्स हैं इसमें। और इसकी इसे जो कली आती है ये बहुत नीचे से आती है, तो हमको जब फूल मुरझाया जाता है, जब फूल उसका ख़राब होता है, तो हमको उसका पिंच कर मीन्स कट करना चाहिए नीचे से, जहाँ से शुरुआत होती है फूल की, वहाँ से ये ऐसा अगर सूख गया फूल तो सूखने की राह नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो झाड़ का प्लांट का पूरा ध्यान सीड तैयार करने में रहता है और हमें फ्लावरिंग कम मिलता है। ये देखिए ये रेड फ्लावर है, अभी भी मैंने लाया है, अगर मई तक बहुत सारे फूल खिलेंगे तो मैं और एक बार वीडियो निकालूंगी। और इतने से छोटे से मीन्स 6 to 8 inch के गमले में भी ये अच्छा अच्छे तरीके से रहता है। आप अगर डीप पॉट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके रूट्स बहुत डीप नहीं जाते हैं, तो एक अगर पौधा लेके आएंगे तो उसे बाजू में उसके बच्चूज निकलते हैं, वो बच्चूज हम अलग अलग करके अलग अलग हमारा पौधा तैयार हो सकता है। और उसे अगर आप छाँव में रखेंगे तो आपके खाली हरी पत्ती दिखाई देगी, फ्लावरिंग बहुत ही कम होगा, वो ज़्यादा कुछ आपसे मांग नहीं रहता है, वो उसे खाली फुल सनलाइट चाहिए, मिनिमम 6 to 8 hours उसको सनलाइट मिलेगा तो वो बहुत सारा फ्लावरिंग देगा। अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट दिन भर रखेंगे तो बहुत ही फ्लावरिंग करेगा। उसे आप फर्टिलाइज़र मत दीजिए, खाली पानी का ध्यान रखिए और सनलाइट दीजिए, तो ये बहुत खुश रहता है। ये देखिए यहाँ से हम लोग अलग अलग प्लांट निकाल सकते हैं, यहाँ भी इसमें चार है, चार पांच पौधे हैं, यहाँ एक एक करके हम लोग इससे 4 या 5 पौधे हमारे हो सकते हैं। और इसे पानी कभी दीजिए, जब भी पानी दोगे आप तो दूसरी बार आप चेक करिए, सॉइल ऊपर की सॉइल ड्राई होनी चाहिए तभी आप उसे वाटर देंगे। आप भूल भी जाएंगे एक आध दो दिन पानी उसे देने को तो भी ये अच्छे तरीके से रहता है, इसीलिए इसे हार्डी प्लांट कहा जाता है। इसे इंसेक्ट भी मीन्स कुछ इसे डिसीज नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत कम है इसे कुछ इंसेक्ट अटैक करते हैं, बहुत ही कम रहता है। और ये फ्लावर्स अभी बंद हो गए क्योंकि अभी सनलाइट नहीं है, ये अपने आप बंद हो जाता है शाम को, और सुबह जब सूरज आता है तब ये अपने आप खिल उठते हैं फूल। तो ये बहुत सुंदर दिखने वाला पौधा है। मैंने अभी अभी तो जनवरी चालू है, दिसंबर से मेरे पास बहुत फूल आ रहे हैं। समर में ये बहुत फ्लावरिंग देता है, अभी वो मेरे यहाँ ज़्यादा फ्लावरिंग होगा, मैं और भी कलर्स लेके आऊँगी तो मैं ज़रूर और एक वीडियो निकालूँगी, और मुझे जो अनुभव होता है उसी से मैं वीडियो निकालती हूँ, और आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे अनुभव होता है वो देती हूँ। तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो ये
मैंने ऐसे पढ़ा है गूगल में कि वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र से पौधा ख़राब होता है। बाकी उसके आप डेड हीटिंग करते रहिए, अगर आप कट नहीं करेंगे मुरझाए हुए फ्लावर तो फ्लावरिंग कम होगा। ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये डेड हीटिंग करना है, वाटर देख के देना है कि सॉइल सूख गई है कि नहीं, और पूरा दिन सनलाइट चाहिए, मिनिमम 6 to 2 hours तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग देता है। तो मुझे लगता है आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने बहुत दिन बाद हिंदी में वीडियो निकाला है, तो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।